जैसा कि किसान भाइयों, आज अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, देश में 85% किसान है और किसान की कोई आवाज़ उठाने वाला है नहीं है। कहने का मतलब है कि आज अगर देश से 85% किसान को हम ख़त्म करेंगे तो देश में केवल 15% आबादी रह जाएगी। आज हमारे देश में अगर 15% आबादी है तो क्या होगा, आपसे बोलूँ। आज सरकार लगी है कि 85% आबादी से ध्यान भटका दिया उन्होंने, मतलब किसानों पर कोई ध्यान ही नहीं है। मेरा आपसे ये कहना है, आपकी जो आवाज़ उठाए आप उसके साथ रहो। मेरा कहना है कि आज गेहूं 5,000 रुपये बेचना चाहिए, सोयाबीन 10,000 रुपये बेचना चाहिए। महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, किसानों की आवाज़ उठाने वाला कोई है नहीं है। नेता है लेकिन कोई काम के नहीं है, कोई टीवी चैनल पे नहीं आ रहा। किसानों को करना क्या है, सरकार का मतलब हमें स्पष्ट समझ में आ गया है कि सरकार अब किसान हित से सरकार नहीं बची है। सरकार अपने काम में लगी है, विकास काम में लगी है। हम भी चाहते हैं कि विकास हो देश में, बहुत अच्छा विकास हो, कांच के रोड बने, लेकिन क्या कांच के रोड चाटने लायक रहते हैं क्या? किसान ही है एक देश की जो कि रीढ़ की हड्डी है। जैसा ही कहा जा सकता है, आज अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, किसानों के पास पैसा आएगा, तो देश में सीधा सा हर वर्ग के पास पैसा पहुँचेगा। किसान एक ऐसा वर्ग है कि जो अपने पास पैसा रखता नहीं है, कहने का मतलब है जो भी ज़रूरत है सब बाज़ार से पूरी होती है उसकी। आप किसान को पैसा दो, पूरा बाज़ार में पैसा वैसे ही चला जाएगा। बजट का मतलब है जो किसानों को समझ नहीं आता है, कहीं चमड़ा सस्ता है तो कहीं इलेक्ट्रिक सस्ती है, जिसका उससे कोई मतलब ही नहीं है। हमें चमड़े से क्या मतलब, हमें इलेक्ट्रिक से क्या मतलब, हमें गेहूं से मतलब है, हमें सोयाबीन से मतलब है, हमें दूध से मतलब है, हमें अपनी जनरेशन से मतलब है। किसानों में कहने का मतलब है कि सरकार का कोई भी आदमी गांव तक नहीं है। सबसे बड़ी बात है, सरकार का आखिरी आदमी जो होता है वो विधायक होता है और वो सिटी के लेवल तक होता है। गाँव में सरपंच होता है लेकिन सरपंच तक सरकार नहीं है। कहने का मतलब कि सरकार गाँवों तक पहुँच ही नहीं पा रही है। 2023 की बात कर रहे हैं हम, पहले मुस्लिम शासक रहे हैं, फिर ब्रिटिश शासक आए और आज भारत 2023 में जो आज़ाद भारत है, लेकिन कह नहीं सकते किसान आज़ाद नहीं है। मैं आपकी आवाज़ बन रहा हूँ किसान दोस्तों, आप मेरे साथ रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो प्यार दीजिए। मैं आपकी आवाज़ बनना चाह रहा हूँ, आप मेरी आवाज़ बनिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपकी आवाज़ दिल्ली तक जाएगी। जय हिंद, जय हिंद किसान साथियों, धन्यवाद।